हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसान आंदोलन में देश तोड़ने की बात पर भड़के सरदार जी और जाट किसान ने धज्जियां उड़ा दी। चलो देखें, वो देखो किसान आंदोलन तब से मतलब फिर से इन्होंने शुरू कर दिया देश के, मतलब क्या मजाक उड़ा रहे हैं अपने देश का ही। इनको तो रिस्ट्रिक्ट नहीं, ये लोग खालिस्तानी है, मोस्टली ये खालिस्तानी है। ये बाहर से इनका फंड आ रहा है और ये इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व होगी। ये सिर्फ इलेक्शन से पहले जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए हुए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हर हिंदू परिवार का, मुस्लिम परिवार का नहीं, बड़े बेटे को केस धारण करके उस सिख बनाता था उसको, बता ठीक है। तो सिख मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे घर का बड़ा भाई सिख बना है। करेक्ट। अगर वो कहता है कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है। ये सिख अलग अलग जो जातियां बनी ना हर धर्म में, ये हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं इंक्लूडिंग सरदार, सारे वो गलत है। सरदार कैसे हिंदू से कैसे अलग है? सरदार ये 500 साल पहले तो बने ना, हम पहले तो हिंदू ही थे सारे। क्या आप निज्जर को मारन के मर्डर को और पन्नू का भी चाहिए उसके बारे में आप सपोर्ट करोगे या नहीं? बिल्कुल लेट हो गए सर उसको मारने में, और इसका जवाब जरूर लीजिएगा। एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, ये जो भाई अभी पीछे खालिस्तानी बोल के गया ना, उसमें जवाब देना चाह रहा हूँ सर। मेरे को एक भी लीडर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक भी कोई एक पद अधिकारी किसी भी चीज का जिसने खालिस्तान को सपोर्ट किया हो, एक दिखा दो। एक चीज और, भिंडरा वाले को हम खालिस्तान कहते हैं, उसने मांगा, आप उसकी हजारों वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं चाहिए। मेरा कहने का पॉइंट ये है, खत्म करता हूं इस बात को, कोई भी सरदार जो जेन्युइन है, जो भी पाकिस्तान इंदिरा गांधी का बोया हुआ पाप था भिंडरा वाला जो है ना, ठीक है ना, और वो पाप, वो दोनों पाप कट गए, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए आप खालिस्तानी कह देते हो, अबे कहां से कैसे समझो तो सही बात को, क्यों पार्टियों के पीछे भागते हो? काटे से काटा निकल गया, कहानी खत्म हुई। दोनों सबसे बड़ी बात है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है, सिख को अलग क्यों किया गया है? वही तो, ये भी कांग्रेस की साजिश है, वरना बुद्ध, बौद्ध, जैन और जो न सिख, ये हिंदू है भाई। ये कांग्रेस पहले अंग्रेजों ने, ये कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन कर, एक मिनट मैम, मेरे को लेट मी फिनिश, सुना? अरे नहीं, सिख का मतलब समझोगे नहीं आप। आपको जो है ये पहले ये अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस की साजिश है, इसको जो माइनॉरिटी कमीशन बना करके उसमें चार इनको डाल दिया गया। ये भी जो सिख होगा यहाँ पे वो भी आपको मानेगा, हर परिवार का, हर हिंदू परिवार का, मुस्लिम परिवार का नहीं, बड़ा बच्चा, हर हिंदू परिवार का जो अपने हिंदू कौम को जिंदा रखना चाह रहा था, उसको बचाना चाहता था, वो अपने बड़े बेटे को केस धारण करके उस सिख बनाता था उसको, ठीक है। तो सिख मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे घर का बड़ा भाई सिख बना है। अगर वो कहता है कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। वो अपने छोटे भाई को ये कह करके मैं तुम्हारा नहीं हूं, वो अपने एक मिनट, वो बात आपकी भी ठीक है। सिख का मतलब जो नानक जैसी इस दुनिया में उससे बड़ी आत्मा पैदा नहीं हुई, जो है ना नानक से सब हिंदू थे, इवन ऑल 10 के 10 गुरु हिंदू थे। अब मेरे को बता दो कौन सा गुरु सिख था, एक गुरु बता दो कौन सा भी, सारे गुरु जो थे 10 गुरु हिंदू थे, पंजाबी खत्री। सर यही बात है, धर्म कोई भी हो, सबके लिए नॉलेज के लिए बताओ, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था वो सिख नहीं बनाया था, उन्होंने खालसा बनाया था। खालसा मतलब प्योर। ये सिख अलग अलग जो जातियां बनी ना हर धर्म में, ये हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं इंक्लूडिंग सरदार, सारे वो गलत है। सरदार कैसे हिंदू से कैसे अलग है? सरदार ये 500 साल पहले तो बने ना, हम पहले तो हिंदू ही थे सारे। पर दूसरी बात ये भी देख, पर दूसरी बात ये भी सोचने वाली है, पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक किसी ने जनेऊ नहीं पहना, ये बात भी तो बताओ ना मेरे को। नहीं मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं बात, तो ये कहना कि सरदार हिंदू से अलग हैं,
ये बिल्कुल गलत है। ये बात मान खत्म करो और ये बात कहना और ये अरे अरे आपने तो कह दिया कि सिख हमारे परिवार के हमारे परिवार का बड़ा भाई है। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। आप खुश है ना? बहुत बढ़िया बात बताइए उन्होंने। अभी जो है ना आप सबने सुना होगा, मैं वही बात कहूंगा जो सबने सुनी हुई है। ये कह है कि रेल अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी, अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी। राहुल यही बोलता रहता है बस। मैं रेलवे स्टेशन पे गया और मैं सुबह से शाम तक देखता रहा कोई अडानी की रेल निकले, अंबानी की रेल निकले, अडानी की रेल निकले, क्या अंबानी की रेल निकले। मैं शाम तक बैठा रहा, मुझे तो कुछ ना अडानी की रेल दिखाई दी ना अंबानी की रेल दिखाई दी। पता नहीं वो कहाँ गई वो रेल जो ना पाकिस्तान में चल रही है, चाइना में चल रही है। बात कर रहे होंगे, सुना होगा ना सबने कि रेल बेच दी, रेल बेच दी, अडानी को बेच दी, रेल को बेच दी। मुझे तो भाई आज तक की अगर कोई आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल को जो है ना वो भेज दें, कोई भी आदमी अडानी लिखी हुई, अंबानी लिखी हुई, कोई भी रेल का फोटो वीडियो बना कर सर रेल बेचने का डिब्बे पे रेल कौन लिख सकता है? इंडिगो सुनो, अरे मैं जवाब देता हूँ। भाई ने कहा अरे उन्होंने क्या कहा कि रेल के ऊपर थोड़ी ना अडानी भाई, इंडिगो का जहाज है तो इंडिगो नहीं लिख लिखेंगे क्या? अभी टाटा की इंडियन एयरलाइंस है क्या? इंडियन एयरलाइंस नहीं लिखेंगे? स्पाइस जेट है क्या? स्पाइस जेट वाले स्पाइस जेट नहीं लिखेंगे क्या? बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे लिखा होता है सर, अगर अडानी के तो अडानी अपने लिखेगा ना। अब बात को समझे, होती नहीं है। कौन कह रहा है? मैंने तो ना बोला बता दो मैंने क्या बोला। आरोप लगता है विपक्ष का, आरोप लगता है भाई साहब विपक्ष का, आरोप लगता है। आप ही जैसे बहुत सारे समर्थक सर्विस पे थी, आप इन्होंने बहुत बढ़िया, आपकी हर बात को मैं ये कहते हैं सर सर एक सेकंड के लिए आ रहा हूँ सर सर इन्होंने सर्विस पे थी। अभी बुजुर्ग होंगे कुछ यहाँ पे जो है ना, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले आप रेलवे स्टेशन के टॉयलेट के अंदर नहीं जा पेशाब कर सकते थे, नहीं घुस ही नहीं सकते थे, इतनी भयंकर बदबू, बाथरूम इतने गंदे होते थे, सोच ही नहीं सकती जाने का, सड़ती थी, अगर लेडीज को तो इन्फेक्शन हो जाता था। आज के दिन रेलवे स्टेशन पर जाइए 5 स्टार सहमत है आप लोग, सहमत है क्या? तो बिल्कुल सहमत है। जिंदाबाद। तो अगर सर्विस बेची है तो किसके लिए? मेरे लिए बेची ताकि मैं साफ सुथरी जगह पे यूज कर सकूं। काफी मजेदार था और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सिख कैसे हुए, मतलब जो सबसे बड़ा घर का जो बेटा होता था उसको उन्होंने किया था कि भैया तुम सिख हो। हमारी फैमिली भी ऐसी था, गुरु थे उन सबने जब शुरू किया बताना तो मेन पर्पस था कि कैसे मुगलों को हराया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बहुत ही डेडिकेटेड आर्मी हो जो डिसिप्लिन्ड हो। उसके लिए जो है आप कह सकते हैं सबसे बड़े जो आपका फर्स्ट सन हो जो सबसे बड़ा उसको दे देते कि आप सिखिज्म में जाए, मतलब वॉरियर बनो जो हेल्प कर सके देश की। उस तरीके से हर अगर हिंदू ने अपने एल्डेस्ट सन को सिखिज्म में बना दिया कि तू सिख तरीके से रहेगा जैसे गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू प्रोटेक्ट द फैमिली, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ऐसे करते 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 सिखिज्म हो गया। तो इट वॉज द सेम, और जितने भी सिखों के जो गुरु हैं वो सारे कौन थे? वो हिंदू थे, वो पंजाबी क्षत्रिय पंजाबी खत्री थे, तो दे आर द सेम। बीच में पॉलिटिक्स आती है और कुछ लोग जो सिख हैं जो चाहते थे कि अपनी मैं अलग करके अपनी कंट्री बनाएं या अपनी पावर लेके आए, तो वो ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम थी। बट इन रियलिटी जो सच्चा इंसान है उसको पता है कि वी आर ऑल वन। दुख की बात है ना, लोगों में लोग वो भूल जाते हैं और ऐसे गलत लोगों के पीछे पड़ उस दिन जो बात हो रही थी गोरखे की वर्सेस दिस, उसमें बता नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था, अभी भी समय नहीं है, कभी और बताऊंगा कि आप जो है महाराजा रंजीत सिंह की वॉर हुई थी विद द गोरखास, उस को पढ़िए वॉर के बारे में, आपको पता लगेगा हु इज मोर पावरफुल। उसके महाराजा रंजीत सिंह की पठानों से भी वॉर हुई थी, उसे पता करिए, एक हुआ कहता आपको इतना गर्व होगा महाराणा रंजीत सिंह जीते होंगे। महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने पठानों को भी हराया था और गोरखों को भी हराया देखा। था तो हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, अगर देखेंगे तो पता लगेगा
कि इतनी चीजें हैं हिस्ट्री में है हमारी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. एग्जैक्टली. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.